भारतीय स्टेट बैंक के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने तारामंडल स्थित SBI के प्रशासनिक कार्यालय तारामंडल में स्थापित शताक्षी भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्य महाप्रबंधक SBI अजय कुमार खन्ना ने कहा कि SBI आजादी के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव को स्मरणीय बनाने के लिए SBI ने प्लैटिनम जमा योजना नामक एक नई जमा योजना शुरू की है। 15 अगस्त से 14 सितंबर तक चलने वाली योजना के अंतर्गत ग्राहकों को विशेष उपहार के तौर पर 0.15% तक अधिक ब्याज देगी। उन्होंने कहा, इस योजना के तहत 75 दिनों वाली प्लैटिनम योजना के ब्याज दरों में वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि होम लोन पर 21 अगस्त तक प्रोसेसिंग शुल्क भी माफ कर दिया गया है। उन्होंने ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग पर फोकस करने की अपील करते हुए कहा कि बैंक SBI की डिजिटल बैंकिंग पर न सिर्फ सभी प्रकार की बैंकिंग बेहद आसान और सुविधाजनक है, बल्कि यह पूर्णतः सुरक्षित भी है। इसके अलावा मुख्य प्रबंधक SBI अजय खन्ना ने बैंक के अन्य सभी योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान SBI के प्रधान कार्यालय के महाप्रबंधक आलोक कुमार सिन्हा, DGM SME अनिल शर्मा, प्रशासनिक कार्यालय के उप महाप्रबंधक संजीव कुमार, क्षेत्रीय प्रबंधक मनीष मटपाल, संदीप पवार, प्रसून कुमार, जितेंद्र कुमार, सुरेश कुमार पांडे सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SBI के मुख्य महाप्रबंधक अजय कुमार खन्ना ने कहा, ज्यादा सख्त का बना दिया गया मेरा शहर अभी आए। What do you think? हमें तो बहुत फायदा हुआ है, क्या होता है तो कम से कम आपके पास आए। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत, और अभी फेस्टिवल सीज़न आया है, ऐड करके दिया जाए अपने प्रोडक्ट्स में, स्पेशली फेस्टिवल सीज़न के दौरान ये प्रयास रहता है। तो इस बार क्योंकि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस
हम लोग मना रहे हैं, तो बैंक एक विशेष स्कीम लेकर आया डिपॉजिट्स के अंदर, और वो स्कीम है कि 75 डेज के लिए डिपॉजिट, 525 डेज के लिए और 2250 डेज के लिए अलग से एक डिपॉजिट की स्कीम लेकर आए, 75 दिन 75 हफ्ते इस तरह से दिया गया है। तो उसमें जो हमारा डिपॉजिट रेट है उसे 5 बेसिस पॉइंट से लेकर वो 15 बेसिस पॉइंट तक का एडिशनल हम रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं। 75 डेज के लिए 5 बेसिस पॉइंट है, 525 डेज के लिए 10 बेसिस पॉइंट ज़्यादा है, और 2250 डेज के लिए 15 बेसिस पॉइंट ज़्यादा दिया जा रहा है। और इसको जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट एडिशनल मिलता था उससे ऊपर उनको भी इसका बेनिफिट पूरा दिया जा रहा है। ये स्कीम 1 महीने के लिए हमारी उपलब्ध रहेगी। इसके अलावा लोन्स, होम लोन पर अभी 6.70% हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, लेकिन इसमें प्रोसेसिंग फी जो है वो पूरी तरह से मुक्त कर दी गई है। इसी तरह से वाहन ऋण पर भी तो ऑटो लोन लेते हैं हम, कार लोन लेते हैं, उसमें प्रोसेसिंग फी 31 जनवरी तक वेव कर दी गई है, बिल्कुल कोई प्रोसेसिंग फी नहीं ली जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट को भी कम कर दिया गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप गोल्ड लोन और ऑटो लोन दोनों पर 7.50% रहेगा। सबसे बढ़िया जो काम किया गया, जो करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हम सम्मान देना चाहेंगे अपने कोरोना वॉरियर्स को, तो कोरोना वॉरियर्स के लिए विशेष तौर पर पर्सनल लोन है। पर्सनल लोन में 0.50% 50 बेसिस पॉइंट का कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। इससे पहले हम लोग लेकर आए थे कवच नाम से अपनी स्कीम जो कोरोना वॉरियर्स के लिए ही थी, उसमें ये था कि कोरोना से अगर कोई सफ़र किया उन्हीं के लिए, लेकिन ये कोरोना वॉरियर्स के लिए, ज़रूरी नहीं है कि वो कोरोना से इन्फेक्टेड हुए हों, लेकिन अगर वो कोरोना वॉरियर्स के अंदर उनका कैटेगराइजेशन होता है, जैसे डॉक्टर्स हैं तो बहुत सी कैटेगरी गवर्नमेंट ने नहीं किया हुआ है, अगर वो उससे संबंधित हैं तो उन्हें हम स्पेशल रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे एक सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उनके प्रति। और इसी तरह से एक्सप्रेस क्रेडिट जो हमारा पर्सनल लोन है उसमें प्रोसेसिंग फी को भी पूरे फेस्टिवल सीजन के लिए प्रोसेसिंग फी को वेव कर दिया। तो कुछ स्कीम्स आई हैं बैंक की अपने ग्राहकों को सुविधा देने के लिए, कम ब्याज पर बिना प्रोसेसिंग फी के ऋण देने की, तो आपके माध्यम से अपने कस्टमर से अनुरोध करेंगे कि इस सुविधा का लाभ। हमारे हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम्स जिनके भी हैं, उन सब लोगों को एक आरोग्य स्कीम के तहत मॉड्यूल में से एक मॉड्यूल है और बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल है। हर मॉड्यूल को हम कुछ समय के बाद जाकर रिव्यू करते रहते हैं, और अभी जैसे ही COVID-2 की वेव का थोड़ा सा अंत नज़र आने लगा तो हमें लगा कि हम खुद जाएं और जाकर रिव्यू करें किस प्रकार की सर्विस दी जा रही है। साथ ही अभी बैंक ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, फेस्टिवल सीज़न के लिए कस्टमर्स को कुछ सुविधाएं दी गई हैं, स्पेशली ऑटो लोन, होम लोन, पर्सनल लोन, इस पर प्रोसेसिंग फ़ी को वेव कर दिया गया है, इंटरेस्ट रेट्स को भी कम किया गया है। तो हम अभी अपने सभी साथियों से ये विचार विमर्श करने आए हैं कि किस प्रकार से इन सुविधाओं को कस्टमर्स तक पहुंचाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो बैंक ने सुविधाएं दी हैं उसका लाभ दिया जाए, उस पर्पज़ से यहाँ आए हैं। एक पर्पज़ और भी है कि गोरखपुर में हमारा CD रेशियो कम है, उस CD रेशियो को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं, कैसे SME यूनिट्स को और फाइनेंस किया जाता है, इसके संदर्भ में हमने कल एक SME मीट भी यहाँ किया है, जो यहाँ के प्रमुख SME कस्टमर्स हैं उनसे मुलाकात की, उनके प्रॉब्लम्स को जाना, उनकी आवश्यकताओं के बारे में समझा। इसी प्रकार से किसानों के लिए हम क्या स्कीम
ला सकते हैं, कैसे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकते हैं, फिशरीज़ में क्या किया जा सकता है, तो विभिन्न योजनाओं में कैसे बैंक के कार्य को बढ़ाया जा सकता है, इसका विचार विमर्श आज हमारी टीम के साथ किया जा रहा है। इस विचार विमर्श के बाद पूरी एक स्कीम बनाकर इसका पूरा फॉलोअप किया जाएगा और ये इंश्योर किया जाएगा कि गोरखपुर के अंदर, गोरखपुर मॉड्यूल के अंदर जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं सभी में बैंकिंग के बिजनेस में विकास किया जा सके और बैंकिंग की सुविधाएं सभी कस्टमर्स को पहुंचाई जा सके। जी, महामेला, ऋण मेला जो हमारा 18 सितंबर को हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, और मेले का उद्देश्य एक ही होता है, जागरूकता लाना। लोन तो हम रोज करते हैं लेकिन मेले के माध्यम से हम एक जागरूकता ला सकते हैं। तो उस मेले की आज तैयारी की भी समीक्षा की जाएगी कि क्या तैयारी की जा रही है। कोशिश किया जाएगा कि हर क्षेत्र से लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर, और स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, सभी स्कीम्स के तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको ऋण प्रदान किया जा सके ताकि अपने रोज़गार को बना सकें, रोज़गार को बढ़ा सकें। सभी बैंक रहेंगे लेकिन क्योंकि गोरखपुर में हम लीड डिस्ट्रिक्ट की भूमिका निभा रहे हैं तो ऑर्गेनाइज हमारी तरफ से किया जाएगा, लेकिन सभी बैंकों इसमें सहभागी रहेंगे। हमारे ATM ज़्यादा हैं तो हमने अपना नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग बना लिया है। हाल ही में हमने ATM के लिए पूरा एक नेटवर्क क्रिएट किया है जो दिल्ली में बैठकर पूरे भारतवर्ष में स्थापित जितने भी हमारे ATM हैं उनकी देखभाल करता है, और बहुत बड़ी टीम है, बहुत अच्छे ढंग से काम हो रहा है। ये एक बहुत अच्छी चीज़ रिजर्व बैंक ने अभी लगाई है कस्टमर्स के लिए। चैलेंज है बैंक के लिए क्योंकि कई बार दूर दराज जगह पर जो ATM है कैश खत्म होने पर उसमें कुछ समय लगता है लाने में, लेकिन हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि हम सभी कस्टमर को सही समय पर और रिजर्व बैंक के दिशा निर्देश अनुसार सेवाएं दे सकें। हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि स्टेट बैंक कभी भी कोई भी पेनल्टी देने लायक स्थिति उत्पन्न नहीं होने देगा। सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं, सबसे ज़्यादा कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, सबसे ज़्यादा ATMs हैं, सबसे ज़्यादा CSPs हैं, तो नेटवर्क इतना बड़ा है। और अगर आप देखें हर वर्ष जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आती हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की है चाहे स्टेट गवर्नमेंट की है, स्वनिधि को ही देख लें, स्वनिधि स्कीम के अंदर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है उसकी सराहना स्टेट गवर्नमेंट ने भी की है। तो हम हर स्कीम के अंदर जो भी सरकार लेकर आती है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे।